वेलकम टू हाउसकीपिंग गुरुजी चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त विकास आज एक टॉपिक लेके आया हूँ फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेके। सो फैसिलिटीज मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है? फैसिलिटी मैनेजमेंट एक सर्विस है जो कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर से, थर्ड पार्टी वेंडर से हम लोग लेते हैं एक बिल्डिंग का स्मूथ ऑपरेशन के लिए। हो सकता है वो रिटेल हो सकता है वो कॉलेजेस हो सकता है वो हॉस्टल हो सकता है वो होटल हो, इट डिपेंड्स, और हो सकता है कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट लेने का रीजन ही ये है, फैसिलिटी मैनेजमेंट जो है वो आपका स्मूथ ऑपरेशन के लिए, और स्मूथ ऑपरेशन इन द सेंस वो इलेक्ट्रिकल को लेके हो, फूड को लेके हो, सिक्योरिटी को लेके हो, हाउसकीपिंग को लेके हो। और फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में, जैसे आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि फैसिलिटी मैनेजमेंट HM के बारे में क्या स्कोप है, किस तरह से ग्रोथ प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में फैसिलिटी मैनेजमेंट का क्या रोल है, आज के दिन में किस तरह से है फैसिलिटी मैनेजमेंट, कौन सी कंपनीज आज के दिन में सर्विस दे रहा है, और कौन सी बड़ी कंपनीज इंडिया के अंदर में है। सो इन डिटेल बात करते हैं गाइस। फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो GDP का अकाउंट है वो 3.2% है। मैनेजमेंट कितने टाइप का है? फैसिलिटी मैनेजमेंट दो टाइप का है, एक हार्ड सर्विसेस है और एक सॉफ्ट सर्विसेस है। तो हार्ड सर्विसेज में क्या आता है? हार्ड सर्विसेज में आपका सिक्योरिटी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, लैंडस्केपिंग हो गया, ऑपरेशन हो गया, मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया, ये आता है हार्ड सर्विसेज में। सॉफ्ट सर्विसेज में जो आता है वो आता है आपका हाउसकीपिंग हो गया, कैटरिंग हो गया, पेस्ट कंट्रोल हो गया, पार्किंग हो गया। इंडिया के अंदर में जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी जो कि आज के दिन में सक्रिय है वो है BVG हो गया, इवन आपका कॉम्पास हो गया, ये बड़े नाम है जो कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर चुका है, एंड दे आर ग्रोइंग, दे हैव पोटेंशियल बायस। आपका CBRE हो गया, इवन आपका ISS फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस है, देर आर एन नंबर ऑफ फैसिलिटी कंपनीज दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। और आफ्टर डूइंग योर होटल मैनेजमेंट इज इट अ सेफ करियर? यस ऑब्वियसली, आपके पास ऑप्शन है और ग्रोथ है। इट इज नॉट दैट कि यू विल बी ज्वाइनिंग फॉर ओनली द हाउसकीपिंग, यू कैन ज्वाइन विद द किचन, यू कैन ज्वाइन फॉर F&B सर्विस। बहुत सारे करियर ऑप्शन है फैसिलिटी मैनेजमेंट में। आई नो यू विल बी वर्किंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बट यू विल बी विद बिग पेरोल्स, आप बड़े पेरोल के साथ में रहोगे, जो कि बड़े कंपनीज है। ये जो भी कंपनीज का नाम आपको बोला है दे ऑपरेट वर्ल्ड वाइज। आप एक फैसिलिटी कंपनी में ज्वाइन करते हो, आप हो सकता है फैसिलिटी सुपरवाइजर के साथ एज अ सुपरवाइजर ज्वाइन करो, उसके बाद आप फैसिलिटी मैनेजर के पोजीशन पे पहुंचो, हो सकता है उसके बाद आप एरिया हेड के पोजीशन पे पहुंचो, हो सकता है उसके बाद आप रीजनल हेड पे पहुंचो, हो सकता है कंट्री हेड पे पहुंचो। पर्क्स अच्छा है गाइस, पैकेज अच्छा है, आवर्स की शिफ्ट आपकी फिक्स रहता है, आगे फ्यूचर है। It's not only after doing your facility management, after working in the facility management, you will be preferred in India only. आपको बाहर का भी chances मिल सकता है। बहुत सारे companies, oil refinery हो गया, even आपकी catering services हो गया, they required you. उनको जरूरत है आपका, they will prefer you. जैसे आपकी Campos हो गया, even if you go to Gulf and all, the package will be around आपका 8,000-6,000 दिरहम आपको मिलेगा, और उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। Facility industry, it's growing. मूवी बहुत सारे कंपनीज आज के दिन में क्या हो रहा है, जितने भी आपके कमर्शियल किचन हो गया, आपके रेस्टोरेंट सर्विसेज हो गया, इवन रिटेल सेक्टर हो गया, इवन गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, दे हैड अ थर्ड पार्टी वेंडर। वो लोग खुद के ऊपर नहीं रखते, दे गिव टू द फैसिलिटी मैनेजमेंट, क्योंकि उनको पता है कि अगर फैसिलिटी मैनेजमेंट को दे देते हैं तो उनका सर्विस अच्छा रहेगा, क्वालिटी रहेगा, दे विल मेंटेन, इसलिए वो लोग दे देते हैं। और आज के दिन में जितने भी कंपनीज है, इस कंपनी में आफ्टर डूइंग योर होटल मैनेजमेंट, वर्किंग विद द होटल इंडस्ट्री लाइक 2-3 साल आपने काम कर लिया, आप अप्रोच कर सकते हो ये सब कंपनीज के लिए। और अप्रोच करने का बहुत ही आसान है, Naukri.com में आपको इनकी वैकेंसीज दिख जाएगा, नहीं तो आप इनकी जो वेबसाइट्स है उस पर आप जाके डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, जहाँ पे करियर का ऑप्शन रहता है वहाँ पे जाके अपलोड CV कर सकते हो। पीपल लाइक हु हैज वर्कड अंडर मी, सम ऑफ द पीपल्स हु आर माय कॉलीग्स, दे आर वर्किंग विद द फैसिलिटी इंडस्ट्री, सम आर वर्किंग विद द बिग कंपनीज लाइक आयनक्स, कोई आपका इवन CBRE के साथ में है, दे आर गेटिंग अ गुड पैकेज। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बाद में यस यू हैव अ ग्रोथ फ्यूचर इन फैसिलिटी इंडस्ट्री, फैसिलिटी इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है, फ्यूचर है। इट्स नॉट ओनली यू हैव टू बी इन द हाउसकीपिंग एंड यू कैन ज्वाइन फैसिलिटी इंडस्ट्री, ऐसा कुछ ही नहीं है।
आप बाकी इंडस्ट्री से भी ज्वाइन कर सकते हो, जितने कैटरिंग सर्विसेज हो गया आपका, इवन फ्रंट ऑफिस से आप ज्वाइन कर सकते हो फैसिलिटी इंडस्ट्री में। बहुत चीज है फैसिलिटी इंडस्ट्री में गाइज, और फैसिलिटी इंडस्ट्री में ग्रोथ प्रोसेस फास्ट है। आप जैसे एक जूनियर लेवल पे ज्वाइन करते हो तो एज अ सुपरवाइजर जपोज ज्वाइन कर रहे हो तो विद इन 2 to 3 years यू विल बी एट द फैसिलिटी मैनेजर लेवल। अगर आप रेस्टोरेंट में भी ज्वाइन करते हो एज अ रेस्टोरेंट कैप्टन भी ज्वाइन कर सकते हो तो आप रेस्टोरेंट मैनेजर के लेवल तक आप पहुंच सकते हो विद इन 2 to 3 years। अब प्लस फैसिलिटी इंडस्ट्री में काम करने के बाद इसका जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड है होटल इंडस्ट्री में, यू कैन कम बैक टू द होटल इंडस्ट्री। फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में ये शॉर्ट वीडियो था गाइस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा फैसिलिटी इंडस्ट्री क्या होता है, पैकेजेस क्या है। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमारे जो टेलीग्राफ ग्रुप है उसमें जाके क्वेश्चन रेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा गाइस।